बाद में कर सकते हैं इसके अंदर आएंगे, और इसके अंदर आने के बाद में आप इसको पानी से आपको निकालना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने खाया और डायरेक्ट आपने इसमें लगा दिया, तो जो भी गंदगी वो निकालनी उसके बाद में वो प्लेट्स दे चाहिए। जैसे इसमें आपने प्लेट्स ऐसा दी, इधर आपने ग्लास बचा, चीनी मिट्टी के बर्तन भी आप इसमें यूज़ करते हो, चीनी मिट्टी के बर्तन भी हो जाएगी आपसे, ठीक है। बाकी इसमें आप चम्मच वगैरह छोटी जो भी आपकी चाकू वगैरह हो गई, चम्मच हो गई, और आप जो भी रसोई में छोटा सामान यूज में लेते हो वो सारे आप इसमें डाल सकते हो। ये ट्रॉली है, ये बाहर भी निकल जाती है आराम से, आप बाहर निकाल के जचा लो वापस लगा लो आराम से। अगर इसमें कंडीशन है कि ज़्यादा इस पंखुड़ी से टच नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ऊँची नहीं होनी चाहिए, छोटी हो, कढ़ाई वगैरह हो, कढ़ाई वगैरह यहाँ मोदी लगा हो, ठीक है। इसके अंदर भी आप छोटे जैसे आपकी कटोरी वगैरह हो गई, छोटी जो भी चीज़ें हैं छोटी, जैसे प्लेट्स के अलावा कटोरी, गिलास और आपके शीशे के गिलास वगैरह आते हैं छोटे, वो सारी इसमें आ जाएंगी। चम्मच वगैरह जो एक्स्ट्रा में आपकी वो इसमें आ जाएगी, आप उस बकेट का यूज़ ना करके आप इसमें भी डाल सकते हो। आप इसका यूज नहीं कर रहे तो आप इसको नहीं देंगे, बाकी आप जितना भी आपका सामान इसमें स्टोरेज कर सकते हो। कढ़ाई वगैरह सारे प्लेट्स को डालने के बाद भी कढ़ाई वगैरह इसमें जो चाहे तो कढ़ाई के ऊपर और भी बर्तन लगाना चाहो तो आप आराम से लगा सकते हो। उल्टे रखने कुकर वगैरह कढ़ाई उल्टे ही रखने, सारे बर्तन सीधे कोई सा बर्तन नहीं रखना, सारे उल्टा होना चाहिए, क्योंकि सीधा रखोगे तो उसमें पानी भर जाएगा तो निकलेगा नहीं। फिर आपका आता है जैसे कि इसके अंदर होता है एक तो रिंस और एड, प्लस में आता है एक सॉल्ट, सॉल्ट आता है जो उसके अंदर महीने भर का एक बार में ही डल जाता है, तो किसमें डलता है इसको आप ओपन करोगे, एक सर इसको ओपन करोगे तो ये खुल जाएगा, इसके अंदर सॉल्ट आएगा, ठीक है। वो सॉल्ट आपको परचेज करना पड़ेगा, अपने कंपनी में है सॉल्ट? अभी सॉल्ट नहीं आ रहा, वो गोली आ रही है, टेबलेट्स, हाँ टेबलेट्स। और जैसे भी आपका कुछ कचरा वगैरह होता है वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, तो इसको निकालना है। और इसमें से साफ कर लेना है, इसके अंदर से साफ कर लेना है, इसको नोजल से बाहर साफ सफाई अच्छी तरीके से सफाई करके तो आप इसको इसी में लगा देना, इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, जैसे कहीं पर बर्तनों के चिपका हुआ रह जाता है तो वो आएगा, वो इसी जाली के थ्रू इसी में छनके इसी में इकट्ठा होगा, तो वो आपको क्लीन करना है। ड्रेनेज में जो पानी आएगा वो तो साफ सही आएगा, मतलब जो साफ वगैरह का या उस टाइप का, उस टाइप का है, वेस्ट मटेरियल कुछ भी नहीं आएगा, वेस्ट मटेरियल इसमें इसी में रह जाएगा। 70% वेस्टेज इसमें आएगा, 30% वेस्टेज उसी में निकलेगा, ठीक है। तो उसके बाद में आता है अपना पावर ऑन डिस्प्ले पीसी, यहाँ से आपकी मशीन ऑन होगी, इसके अंदर ये आपका टाइमिंग आ जाएगा। एक होता है इकोस, इकोस के अंदर होएगा कि आप जो चला रहे हो बिजली कंजप्शन कर रहे हो, इसमें टाइमिंग तो ज़्यादा लेगी आपकी मशीन, मगर प्रोसेस कम होगा, मशीन अंदर जो चलती है वो प्रोसेस कम करेगी, तो उस टाइम पर ये चलेगी फिर रुक जाएगी, फिर पानी का प्रेशर से साफ करेगी फिर रुक जाएगी, तो ये प्रोसेस उसमें चलता रहेगा, तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा मगर बिजली कंजप्शन कम रहता है। जैसे नाइट में बर्तन लगा के फिर ठीक है, ये अपने आप चल गई है, टाइम का कोई इशू नहीं है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास हाफ लोड है या फुल लोड है उसके अनुसार आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास हाफ लोड है तो आप हाफ लोड पे क्लिक कर दीजिए, फुल लोड है तो फुल लोड पे इस पर क्लिक करोगे, हाफ लोड के अंदर ये ऊपर वाला हो जाएगा, फुल लोड में नीचे वाला हो जाएगा। फिर आपका जैसे कि आपका एक आप डायरेक्ट मतलब आप कोई भी फंक्शन क्लीन नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये ऑटोमेटिक करे सारा काम, तो आप इसको ऑटो पे क्लिक कर दोगे तो ये ऑटो वर्क पे काम करेगा। फिर आते हैं इंस्टेंट वॉश, इसके अंदर होता है जैसे आपकी कढ़ाई वगैरह हो गई जो ज़्यादा गंदा होता है जिसपे चिपकता है ऑयली वगैरह, तो वो आप इंस्टेंट वॉश पे यूज़ कर सकते हो। डेलीकेट्स के अंदर होती है आपकी प्लेट्स वगैरह, इन डेलीकेट्स तो प्लेट्स हो गई, आपकी कटोरी हो गई, आपकी ग्लास हो गई, और ये आप इसमें साफ कर सकते हो जिससे कम ऑयली काम होगा। ये रिप्लेस होता है इसकी सफाई करने के लिए। इको आपका हो गया जो मैंने आपको बताया बिजली कंजप्शन होता है, टर्बो होता है आपका जल्दी धो देता है,
आपके पास टाइम नहीं है, थोड़ा कम टाइम है, तो आप 1 घंटे 40 मिनट के अंदर भी प्रोसेस को दो सकते हैं। फुल प्रोसेस कितने टाइम में होगा? नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल आपका प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस 3 घंटे का होता है इसमें, जिसके अंदर पानी भी लेगी, उसको बर्तनों को धोएगी भी, भाप देगी, सुखाएगी भी, तो सारा काम करेगी उसके अंदर। ये आता है डाउनलोड साइकिल। डाउनलोड साइकिल के अंदर आपका प्रोसेस होगा कि आप इसके अंदर जो आपका आपने बाहर धो दिया, हाफ गंदा है उसको धोना है, तो इसके अंदर एक प्रोसेस करेगी धोने का, फिर सुखाने का, बहुत कम प्रोसेस। ये क्लियर फंक्शन आपके। अब एक सिंबल आता है सर इसके अंदर, यहाँ पे जो सिंबल आता है वो होता है रिंस एड वगैरह के लिए, जैसे कि अपने इसके अंदर रिंस एड है या नहीं, जैसे ये स्टार का सिंबल है, ये स्टार का सिंबल है, इसके अंदर रिंस एड नहीं है तो ये बार बार ब्लिंक करेगा, रिंस एड है तो यहाँ पे ये ब्लिंक नहीं करेगा। मान लो रिंस एड नहीं है, टिकिया डाल रखी है अपने, हाँ तो टिकिया डाल रखी है तो उसके अंदर ये ब्लिंक करेगा, ब्लिंक करेगा क्योंकि रिंस साइड का एक सेंसर लगा होता है, टिक्की के लिए कोई सेंसर नहीं है, खुला है, ठीक है, और इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, जैसे इसमें डालते हैं यहाँ तक ओपन तक आ जाएगा मैक्सिमम, जैसे सर हाँ जैसे सरप नहीं आता है, केमिकल आएगा लिक्विड आएगा, वो आप इसमें डालोगे तो मैक्सिमम यहाँ तक ऊपर तक आ जाएगा, फिर इसके बाद में इसको आपको लॉक कर देना, ये सारा काम अपना करेंगे। आप इसको 3 से 4 बार भी यूज़ कर सकते हो, मगर टाइम प्रोसेस होता है कि आप इसको रेगुलर 24 घंटे चलाओगे तो वो नुकसान है। हाँ 3 बार आप चला सकते हो, जैसे एक मॉर्निंग में अपना यूज होता है तो मॉर्निंग के बर्तनों के लिए हो गया, एक दोपहर में होता है, फिर एक शाम को होता है तो वो आप यूज़ करो, शाम को 2 बार भी हो जाता है क्योंकि कई बार बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप शाम को 2 बार यूज़ कर सकते हो। यह हाफ लोड के लिए ये एनर्जी सेविंग और इसको दोनों सेम फंक्शन है, ठीक है। फिर आते हैं स्टीम करने के लिए, भाप देने के लिए, जैसे आप बर्तन कई दिनों से रखे हुए थे, आप उनको वहीं पर भाप देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह अपने औजारों को भाप देते हैं, हाइजनिंग करते हैं, तो सेम वो कर सकते हैं। यह हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर जैसे आपको लग रहा है कि मेरे बर्तन सही से साफ़ नहीं हो रहे हैं, टेम्परेचर कम है, ये पानी को गर्म करता है, तो पानी को जितना गर्म होएगा ऑयली उतना जल्दी साफ होएगा, तो ये उस पर डिपेंड होता है। यह एक्स्ट्रा है कि आपको लग रहा है मेरा बर्तन सही से नहीं सूख रहा, तो आप वो भी फंक्शन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। फिर आता है डीले स्टार्ट, डीले स्टार्ट का मतलब होता है जैसे कि आप अपने तो यहाँ रेगुलर पानी आता है, मगर जयपुर वगैरह में ऐसा है कि नल वगैरह का सिस्टम है कि साहब मेरे तो 5 बजे पानी आता है और मैं यहाँ नहीं रहता, मेरी वाइफ भी ऑफिस में, मैं भी ऑफिस में रहता हूँ, 5 बजे मैं अवेलेबल नहीं होता, 2 घंटे के लिए पानी आता है, 3 घंटे के लिए पानी आता है, फिर चला जाता है, तो मेरे को तो वो फंक्शन आ गया, तो आप इसको ऑन करो, डीले स्टार्ट पे क्लिक करो, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मतलब आपके टाइम से 2 घंटे बाद में ये स्टार्ट होगा, आप यहाँ से स्टार्ट कर दोगे तो आपके 2 घंटे बाद में ये अपना प्रोसेस पे रुक जाएगा, जैसे पानी आएगा आपका ये स्टार्ट हो जाएगा 2 घंटे बाद, ठीक है। बाकी आपको अधिकतर आपको धोना है वो एंड से वॉश पे धोएगा, क्योंकि ऑयली वगैरह का ज़्यादा काम होता है अपने घरों में, रूटीन में जैसे मान लीजिए ऑफ है, इसको ऑन करा, सारा जितना मटेरियल है वो सारा रख के इसको ऑन करा, ऑन करके इसके बाद में आप डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकते हो, तो वो 3-3.5 घंटे का प्रोसेस लेगा, वो चलेगा 1 घंटे 40 मिनट के लिए, 1 घंटे 40 मिनट के लिए आप टर्बो करोगे, जल्दी धो लेगा, मगर उसके अंदर क्या होता है साहब, अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, जितनी आपको क्वालिटी चाहिए वो वाली नहीं है, एक तरीके से साफ कर देगा और उतना नहीं आएगा कि आप सेटिस्फेक्शन हो सके। तो आप सबसे बेस्ट होता है आप ऑन करना है, कौन यूज़ करेगा, माता जी यूज़ करेंगे, देखो माता जी इधर आओ, सबसे पहले मैं बता देता हूँ एक बार।